जय श्याराम बंधु, आपके अपने चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। इजी वे में सरलतम ढंग से हवन कैसे करें, ये आज हम आपको बताने जा रहा हूँ। हालांकि विधिवत पूरी प्रक्रिया जैसे आचार्यगण आपके कराते हैं, आपको हम यहाँ अपने चैनल में पहले डाल चुका हूँ वीडियो, आप देख सकते हैं नवरात्रि हवन कैसे करें। पर जो हर व्यक्ति कर सके, कई बंधुओं ने जो है पूछा हमसे गुरुजी, जो हर व्यक्ति कर सके बिल्कुल कम समय में, वो आप बताने की कृपा कीजिए। तो हम बताने आपको जा रहे हैं। सबसे पहले हम जहां हवन करते हैं उस जगह की शुद्धि करना चाहिए। तो हम शुद्धि पहले कर चुके हैं, संभव हो तो गोबर आर से लिपाई करना चाहिए, नहीं तो कोई बात नहीं, गंगा जल में जल मिला करके मार्जन करना चाहिए, जो हम पहले से मार्जन कर चुके हैं। इसके पश्चात में यहाँ हवन कुंड रखना चाहिए। हवन कुंड नहीं है तो आप यहाँ ईटा भी रख सकते हैं, उसके ऊपर में रेत वगैरह मिट्टी रख सकते हैं। नहीं तो छोटा सा हवन करना तो अपने कराही में अथवा परात में मिट्टी याद रख करके उसमें भी आप स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद में हवन कुंड को सजाना चाहिए। सजाने का भी कई रूप है, जैसे सबसे पहले आपने जल का मार्जन कर दिया, अंदर मंत्र आता तो ठीक नहीं, पुंडरीकाक्षाय नमः ऐसा करके आपने जल छोड़ दिया। इसके बाद में थोड़ा हल्दी कुमकुम जो है ऐसे छिड़क दिया, ताकि जो है इसका सुंदरता बन जाए, सुंदर हो जाए, इस बात का ध्यान देना चाहिए। तो आपने हल्दी डाल दिया, ऐसे जगह जगह कुमकुम डाल दिया, और इसके बाद में फूलों से आपने मंडप को सजाया। बाहर भी आप रंगोली से भी सजा सकते हैं, पर अभी मैं आपको फूलों से इस तरह से हम फूलों से सजा करके अग्नि नारायण भगवान का आवाहन करेंगे। अग्नि जो है देवताओं के पुरोहित होते हैं, और आप सबके भी पुरोहित आपके घर में आते हैं, उनको अवश्य बुलाना चाहिए, उनसे ही संपन्न कराना चाहिए। अगर वो ना आ सकें या आप ना बुला सकें, कि बुलाना तो अवश्य चाहिए, किसी कारण से पुरोहित या उनका द्वारा भेजे हुए आचार्य ना आ सकें तो ही स्वयं करना चाहिए। बंधुओं, मैं कई बार आपसे कहा हूँ कि पूजा अथवा हवन करने के पहले जितना अच्छा अपना प्रिपरेशन रहेगा उतनी अच्छी हम पूजा कर पाएंगे। वैसे हम माँ की नवरात्रि चल रही है, उसमें अलग से दिया जलाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप चाहें थोड़ा दूर है तो आप दिया जला सकते हैं। और उसके बाद में जो सबसे पहले हमें सामग्री का निर्माण करना चाहिए। आप सभी जानते हैं आजकल जो पैकेट वगैरह की सामग्री आ रही हैं उन्हें हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे हमें दोष ही लगता है। सबसे पहले सर्वोत्तम तिल होता है, जितना तिल हो उसका आधा तिलाधम तंडुलम सफेद, ये हमने मान लिया तिल रखा है पूरा, और तिल का आधा जो है हमें चावल लेना चाहिए। मान लिया 100 ग्राम तिल है तो 50 ग्राम ये चावल हो गया। इसके बाद में 25 ग्राम जौ, ये आपका मात्रा हो गया, मतलब तिल हुआ, तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ। ज्यादा जौ होने से जो है दरिद्रता आती है। इसके बाद में हमने कमल का बीज है, पंचमेवा है, ये इसमें मिक्स कर दिया। इसके बाद में इसमें हमने जो है ये शर्करा डाल दिया। शर्करा की जगह गुड़ भी डाल सकते हैं, पर होता है कि आप जब छोटे रूप में हवन करते हैं तो गुड़ पड़ने से सामग्री जल्दी प्रज्वलित नहीं होती, जलती नहीं, और धुआं बहुत ज्यादा होता है, और कभी भी धुआं में हवन नहीं करना चाहिए। दो चीजों का ध्यान रखें, शास्त्री जी यहाँ ऊपर दिखाइए। एक तो धुआं में अगर आप हवन करते हैं तो अगले जन्म में आप जो है अंधे हो जाते हैं, एक कारण ये भी होता अंधा होने का। दूसरी बात जो है कि जो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अधिक जो होने से दरिद्रता होती है। तिल केवल तिल से करेंगे वो भी उत्तम है, तो तिल, तिल का आधा चावल, चावल का आधा जो, पंचमेवा और शर्करा, और उसके बाद में घृत आप इसमें डाल दीजिए, ये मिश्रित कर दीजिए, ये आपका विशुद्ध जो है हवन सामग्री बन गई, जो शास्त्रों में लिखा है तिलाधम तंडुलम छिपेत तंडुलाधम व्यवह। इसके बाद में इसको आप बढ़िया पहले से हाथ वगैरह धो के रखे हैं तो आप इसको बढ़िया से मिला दीजिए। मिला करके ये आपकी विशुद्ध हवन सामग्री तैयार हो गई। चूंकि अगर माँ का नवरात्रि है और उसके निमित्त आप हवन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर खीर अथवा हलवा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने खीर भी ला के रख लिया है, जो बाद में पहले भीत आहुति करके फिर हम खीर से जो है हवन करेंगे। इस तरह से आपने तैयारी कर लिया। अब इसके बाद में जो है जब आप हवन करें तो माता जी के और आपके बीच में जो है पूरी जगह खाली होना चाहिए, जैसे आप किसी को भोजन कराते हैं अपने हाथों से या देते हैं। क्योंकि जो हवन सामग्री मंत्रों के द्वारा दी जाती है वो उसके उसे माँ अवश्य स्वीकार करती है। ना भी स्वीकार करें अगर हमारी भावना जो है विशुद्ध नहीं है, हम हड़बड़ाहट में कहीं कुछ हैं, तो भी जो है उनके खजाने में जाकर के हमारा अर्पित किया हुआ सामग्री जमा हो जाती है और तन अनुरूप हमें फल अवश्य मिलता है। लेकिन अगर हम तन मन धन श्रद्धा और विश्वास पूर्वक करते हैं तो वही हजारों गुना ज्यादा हमारे लिए लाभकारी हो जाता है। अब हम आगे के बारे में आपको बताएंगे। बंधुओं, सबसे पहले आचमन करते हैं, 3 बार जल पीते हैं,
ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा। इसके बाद हाथ धो करके दूर अपना छोड़ दीजिए, दोबारा हाथ धो लीजिए, उसके पश्चात में हाथ को पोंछ लेना चाहिए। अब इसके बाद में पवित्री धारण कर लेना चाहिए, अगर है नहीं तो अंगूठी पहने हैं तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान का नाम लेकर के फिर पुनः जो है सभी सामग्री के ऊपर में मंत्र आता तो ठीक है, नहीं पुंडरीकाक्षाय नमः ऐसा करके, पुंडरीकाक्षाय नमः ऐसा पूरे मंडल में जल छोड़ देना चाहिए। इसके पश्चात जो है दिया जो हवन कुंड के दाहिने आपके लेफ्ट साइड में रखा हुआ है उसे प्रज्वलित कर सकते हैं। ये जो है इसका भी मंत्र होता है, मंत्र तो याद होना कठिन है, तो दीप नारायणाय नमः ऐसा करके बोल सकते हैं, दीप नारायणाय नमः सर्वोपचाराथे गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, या दीप दीपाय नमः दीप देवताभ्यो नमः सर्वोपचाराथे गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारोमि कर लीजिए, फिर फूल लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए कि हे माँ अथवा हे गणेश जी, जिसकी भावना से आप हवन करने जा रहे हैं आपकी कृपा से मेरा संकल्प पूरा हो और अब हम आपको आहुति प्रदान करने जा रहे हैं, इसको आप स्वीकार कीजिए, उन देवता का नाम लेकर के सामने फूल अर्पण कर दें, उसके पश्चात में संकल्प करना चाहिए। संकल्प में जल चावल और द्रव्य लेकर के, चावल को पूजा की भाषा में अक्षत बोलते हैं, कुशा ले लीजिए, और अगर आपकी धर्म पत्नी जी हैं तो आपके दाहिने बैठेंगी, पूजा में सदैव पत्नी को दाहिने बैठाना चाहिए, ग्रंथ बंधन कर लीजिए, संकल्प लीजिए कि हे माँ जो नवरात्रि का व्रत आपने हमसे कराया अथवा कोई भी अनुष्ठान का रामनवमी का व्रत कराया उसकी पूर्णता के लिए हे प्रभु हम आपको आहुतियाँ प्रदान करने जा रहे हैं, जो भी व्यवस्था है जो भी सामग्री है इसमें आहुतियाँ प्रदान करने जा रहे हैं, इस आहुति को स्वीकार कीजिए और हमें अपना करके हमारे कष्टों को दूर कीजिए और जो है सुख संपत्ति के साथ में विशेष करके अपने चरणों में हमारी अपनी भक्ति हमें प्रदान कीजिए, इसके लिए आहुतियाँ देने जा रहा हूँ ऐसा करके छोड़ देना चाहिए। और फिर गणेश जी को हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेना चाहिए कि हे गणेश जी जो हमने संकल्प किया हुआ निर्विघ्नता पूर्वक सिद्ध हो। फिर यहाँ गणेश जी का पूजन होता है, नवग्रहों का पूजन होता है, कुंड का पूजन होता है, ब्रह्मा का पूजन होता है, भूमि पूर्व अनंत का पूजन होता है, लेकिन ये सब सबको नमस्कार करके आप सीधे जो है अग्नि को जला लीजिए, चूंकि आप कुंड की शुद्धि कर चुके हैं तो इसलिए अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। कभी भी कंडा जो है बंधुओं, ये जिसको छेनी भी बोलते हैं महाराष्ट्र में अपने, कंडा उपली जो भी बोलते हैं, चिपली कई जगह बोलते हैं, इसको पूरा नहीं लेना चाहिए, इसको तोड़ के लेना चाहिए, शायद उसके पीछे का रीजन ये है कि उसमें जो कीड़े वगैरह होंगे वो आपको दिखाई दे जाएंगे। साथ में जो लकड़ियां भी है लकड़ियां खूब धूप में सुखा देना चाहिए और जो है इसको आपस में पटक देना चाहिए, ताकि देखिए इसमें अभी भी एक जो है मुझे दिखाई दिया, जब बिल्कुल आप यहाँ रखें उसके बाद भी एक बार ठोक दिया करें। इसी तरह जो है सामग्री वगैरह तिल चावल जो अगर आपके पास पर्याप्त टाइम है तो पहले से धो करके सुखा करके उसी अनुपात में रख सकते हैं। अब अभी हम अग्नि का आवाहन करेंगे और अग्नि को बुलाएंगे, अग्नि का मंत्र है, मंत्र तो आएगा नहीं तो ही बोलेगा अग्नये नमः, क्या बोलेंगे अग्नये नमः, अग्नये सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय आवाहयामि स्थापयामि, ऐसे चार बार घुमा करके और जो है अग्नि कुंड के मध्य में जो है रख दीजिए यहाँ पर, और इसके बाद में अग्नि को जो है और विधियाँ हैं, फिर अग्नि को निकालते भी हैं करते भी हैं, लेकिन अब वो सब आपको समझना और करना बहुत कठिन होगा। अग्नि भगवान प्रकट हो चुके हैं, अब उनका हम पूजन करेंगे। बोलिए अग्नय वैश्वानराय सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय नमः, इतना बहुत कठिन होगा तो अग्नय नमः ध्यायामि ध्यानार्थे आवानाथे आसनाथे अक्षतान समर्पयामि अथवा अग्नय नमः अक्षतान समर्पयामि ऐसा बोल दीजिए। फिर अग्नि को स्नान कराने के लिए जो है नीचे जल छोड़ दीजिए, स्नानार्थे जलम समर्पयामि, इनके अंदर में चंदन अक्षत कुमकुम हल्दी सब छोड़ दीजिए, गंधम समर्पयामि हरिद्राम कुंकुमम अक्षतान समर्पयामि, इसके बाद इनको धूप दिखा दीजिए कि अग्नि नारायणाय नमः अग्नि नारायणाय नमः, धूप माघ्रापयामि इधर लेफ्ट साइड में रख दीजिए, इसके बाद दिया दिखा दीजिए, दीपम प्रदर्शयामि अग्नि नारायणाय नमः दीपम प्रदर्शयामि, इसके पहले हमको फूल चढ़ाना था मैं भूल गया, ये फूल चढ़ा सकते हैं अग्नि नारायणाय, फूल सामने अर्पण कर दीजिए, पुष्पम समर्पयामि, इसके बाद में इनको नैवेद्य भोग लगाना चाहिए तो अग्नि नारायणाय नमः नैवेद्यम, थोड़ा सा गुड़ का हमने भोग लगाया जो शुद्ध माना जाता है, किशमिश का भी भोग लगाया और अग्नि को आहुति जो है आत्मन कराया जाता है घी घृत से, तो घृतात्मनियम समर्पयामि अग्नि नारायणाय नमः, इसके बाद में फल अभी केला तो उपलब्ध नहीं, अंदर छोड़ देता, ऋतु फलम
जो है कह सकते हैं कि हमने यहाँ रख दिया ऋतु फलम समर्पयामि, इसके ऊपर हमने तुलसी का पत्ता रख दिया। और कुंड के भी देवता होते हैं, अग्नि के साथ में बहुत सारे देवता आते हैं, तो हम यहाँ कुंडों के लिए जो है तुलसी दल डाल दिया कि जो है कुंडा अधिष्ठात देवता भ्योन्वा नैवेद्यम निवेदयामि आचमनियम जलम समर्पयामि। फल चढ़ा दिया, पान जो है कोई वो पान सुपारी भी अंदर छोड़ सकते हैं पहले समर्पयामि, इसके बाद में दक्षिणा जो है दक्षिणाम समर्पयामि यहाँ इसके पास में रख दिया। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि, चम्मच में जल ले जो हमने पूजा किया प्रभु आपको अर्पित हो छोड़ दिया। फिर हाथ में जल लिया कि जो सामग्री हवन की है जिन जिन देवताओं के नाम से दे रहा हूँ हे अग्नि नारायण भगवान उनको आप पहुँचा दो, ऐसा छोड़ दिया। गणेश जी को प्रणाम कर लीजिए, नवग्रहों को प्रणाम कर लीजिए पुनः, और आहुति प्रदान कीजिए। जो पहली आहुति दी जाती है आप सभी जानते हैं गणेश जी को दी जाती है, गणेश जी को लड्डू हो अथवा गुड़ हो उसके साथ में लेकर ओम गं गणपतये स्वाहा ऐसा बोल सकते हैं। इसके बाद में घी से ओम गं गणपतये स्वाहा, इसके बाद में आठ आहुति इससे देना चाहिए सामग्री से। आठ बार गणेश जी की आहुति होती है, फिर गौरी मैया की आठ आहुति होती है, ओम गं गणपतये स्वाहा ओम गं गणपतये स्वाहा, ऐसा करके आठ आहुति आप कर सकते हैं। इसके बाद में नवग्रहों के ओम सूर्याय स्वाहा ओम चंद्रमसे स्वाहा ओम भौमाय स्वाहा ओम बुधाय स्वाहा गुरुवे स्वाहा ओम शुक्राय ओम शनिश्चराय ओम राहवे ओम राहवे स्वाहा ओम केतवे स्वाहा, ऐसा करके नवग्रहों का आहुति करने के बाद में फिर जो मुख्य देवता हैं उनका कम से कम एक माला जिनका जिन मंत्रों का आपने जाप किया है, चाहे वो गणेश जी हो, चाहे मैया का मंत्र हो, चाहे नारायण का हो, चाहे हनुमान जी का हो, पूरा एक जो है उससे आहुति देना चाहिए। उसमें भी अगर माता जी का है तो आप ये हलवा भी हलवा से भी कर सकते हैं, खीर से भी कर सकते हैं, हलवा के लिए इसमें हमने मिला दिया है। इसके बाद में हर आहुति में मैया के लिए कर रहे हैं तो उसमें एक एक लौंग रख सकते हैं, गणेश जी के लिए एक एक दुर्वा हर आहुति में आप डाल सकते हैं। अगर आपके शनि खराब हैं तो उसमें एक एक जो है शमी का लकड़ी रख सकते हैं, राहु खराब हैं तो एक एक दुर्वा रख सकते हैं 108 आहुतियाँ में। तो इस तरह से आप आहुतियाँ कर दीजिए। जब आहुतियाँ आपकी पूरी हो गई तो बाद में एक पान का पत्ता लिया और सुपारी लिया, इसमें बलिदान वगैरह की विधि है तो जायफल बलि ऐसा काट करके बीच से उसमें कुमकुम लगा के ले जाके माता जी के आगे पान के पत्ते के ऊपर रख देना चाहिए। इसके बाद में पूर्णाहुति करना चाहिए, तो पूर्णाहुति का विधि है कि इसमें जो है छोटा हवन कुंड है तो उसके लिए सुपारी सही है, बड़ा हवन कुंड है तो उसमें नारियल रखे सेम फल मिलेगा, क्योंकि आपका दिया हुआ सामग्री वो अर्पित भी होना चाहिए, वो जल जाना चाहिए, नहीं ऐसे पड़ा रहेगा तो उसका लाभ पूरा नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है छोटे हवन कुंड में सुपारी सही है, इसको लेकर के खड़े हो जाएं और ये चम्मच के ऊपर जो है इसको रख लेना चाहिए। ओम पूर्णाहुति नमः स्वाहा ऐसा करके इसमें जो है खड़े होकर के ऐसे अर्पण कर देना चाहिए। इसके बाद में ये घृत से बसोद्धारा कर देना चाहिए, बसोद्धारा जब हो जाए पूरा ऐसे बसोद्धारा करने के बाद में बसोद्धारा ऐसे भी कर सकते हैं कि दाहिने हाथ में चम्मच और बाएं हाथ से तरीका ही, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रज्वलित ना हो ऐसे के गुण जो है। अच्छा ये मंत्र तो आपको आएंगे नहीं, तो जिस मंत्रों का जाप किया है उन्हीं मंत्रों को जपते रहें। ये जब हो जाए इसके बाद इसमें से थोड़ा सा भस्म निकालें और जो कलश है कलश को ले जाके लगा दें, फिर ला करके अपने माथे में बहने माताएं मंगलसूत्र में चूड़ियों में लगा लें, बच्चे लोगों के गले में हृदय में हर जगह लगा दें। इसके बाद में जो आपने पूजा किया इसकी दक्षिणा देनी चाहिए, तो इसकी दक्षिणा जो है एक विशेष दक्षिणा ये तो हमने सामान्य रूप से रख लिया, हाथ में लेकर के अपने पुरोहित जी को दूंगा। जैसे आप एक एग्रीमेंट सामान्य कर दें तो वकील के नाम का होता है स्टम्प फीस लगता है, तो इसे ब्राह्मण पुरोहित के नाम का दक्षिणा होना चाहिए, एक पूर्ण पात्र की दक्षिणा होना चाहिए, फिर एक भूषी दक्षिणा होती है जिसको भूल चूक की दक्षिणा बोलते हैं वो देना चाहिए। और उसके बाद में ब्राह्मण जिसे आपने एक दिन का व्रत किया है तो सुबह शाम अन्न नहीं खाए हैं तो दो खुराक सीधा 9 दिन के 18 खुराक सीधा ऐसा दान करके ये रखना चाहिए। उसके बाद में कन्या ये आरती करना चाहिए, प्रदक्षिणा करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद में चावल लेकर के हे अग्नि भगवान जहाँ से आप आए हैं अपने साथ ही क्यों सहित आप वहाँ वापस जाइए, मतलब आपको प्रणाम करता हूँ, कुछ गलती त्रुटि रहेगी तो उसे आप क्षमा कीजिए, भेजने के पहले आप प्रणाम कर लीजिए। तो इस तरह से एक सामान्य रूप से आप सुगम तरीके से हवन कर सकते हैं। तो इसका हम शुरुआत से अगर आप इसको रिवाइंड करके समझेंगे कि आपने बैठा सब किया, कुंड में को सजा दिया, अग्नि जला दिया, अग्नि के ऊपर चंदन अक्षत फूल चढ़ा करके पहले चावल लेकर के आवाहन कर लिया, फिर चंदन अक्षत फूल बाहर चढ़ाया, भोग लगा दिया, अंदर धूप दीप कर दिया, उसके बाद में पहले गणेश जी को आहुति दिया,
गणेश जी को आहुति देने के बाद में नौ ग्रहों को आहुति दी, उसके बाद में माला, अगर आप अकेले हैं तो माला बाएं हाथ में रख लिया, माला की विधि आप देख सकते हैं, और उससे जपते रहे और एक 108 या 11 माला से हवन करने के पश्चात में फिर आपने पूर्णाहुति कर दिया। और पूर्णाहुति के पहले अगर आप नवरात्रि में हैं तो एक जो है जायफल का काट करके उसमें लौंग रख करके हल्दी कुमकुम चढ़ा के पान के पत्ता पर रख के माँ के आगे रख दिया, फिर वहाँ से वापस आते हैं, पूर्णाहुति करते हैं, वसोद्धारा करते हैं, भस्म माँ को लगा करके फिर अपने सबको लगाते हैं, उसके बाद में दक्षिणा का संकल्प करते हैं, सीधा का संकल्प करते हैं, आरती करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसके बाद उनको विसर्जन करते हैं। तो सामान्य रूप से एक आप बहुत इजी वे में ऐसा हवन कर सकते हैं। फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि कोशिश कीजिए कि अगर आपके पुरोहित ब्राह्मण आ सके तो जो है आपको प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिलेगा और वो सर्वोत्तम माना जाएगा। ना आए तो एक ब्राह्मण को जितना बुलाने का दक्षिणा देना चाहिए, आपके अपना सामर्थ्य है, उस निमित्त दक्षिणा अलग निकाल करके अपने पुरोहित जी को, अपने पुरोहित को जो भी हो उनको आप अवश्य जब भी समय मिले उनको पहुँचा दीजिए, दे दीजिए। जय श्री राम। फिर मिलेंगे आपको नई जानकारी के साथ में।